सो हेलो गाइस, दिस इज़ वनिक सराज केसड़ा। में हम बात करने वाले कुछ क्लोज रेंज टिप्स के बारे में दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर क्लोज रेंज। तो यार गाइस, आपने बहुत सारे ऐसे बंदों को देखा होगा, या फिर यूट्यूबर क्रिएटर किसी को तो आप फॉलो कर रहे होंगे, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में भी, या फिर आपके स्क्वाड में भी एक ऐसा बंदा ज़रूर होगा जो बहुत अच्छा खेल लेता है, और जिसके पास अच्छा स्किल है, जिसके पास अच्छा नॉलेज है, जिसको टिप्स एंड ट्रिक्स पता है कि उसको यूज करके कैसे अपना गेम प्ले इम्प्रूव कर सकते, उसको आप सो कॉल्ड बोलते प्रो प्लेयर। तो यही प्रो प्लेयर जो टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करता है, उन्हीं टिप्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो आई होप आपको भी अपना गेम प्ले उनकी तरह इम्प्रूव करना है, तो वो जो टिप्स फॉलो कर रहे हैं वही आप फॉलो करना शुरू कीजिए इस वीडियो को देख के। सो लास्ट तक देखना वीडियो को। सो फर्स्ट टिप है अपनी जंप और क्लाइंब ऑप्शन। तो गाइज, जिसको आप प्रो प्लेयर बोलते हो या फिर जिस यूट्यूबर को आप फॉलो कर रहे हो, उसका ये सेटिंग 100% ऑन ही रहने वाला है, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे वॉल फाइट्स में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो गाइज, ये एक बहुत ज़्यादा बेसिक पॉइंट है, जिसमें इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपका जो डिफ़ॉल्ट रहता था एक ही बटन जिसमें दो फंक्शन क्लाइंब और जंप, अभी वो सेपरेट हो जाएंगे, दो बटन सेपरेट आ जाएंगे। एक को प्रेस करने के बाद जंप करेगा आपका कैरेक्टर, और दूसरे को प्रेस करने के बाद आपका कैरेक्टर जिस भी ऑब्स्टेकल है उस पर क्लाइंब कर जाएगा। तो गाइज, इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वॉल फाइट में। मान लो कि सामने भी एक वॉल के उस पार भी एक बंदा है, और अगर आपका सेम बटन है जंप और क्लाइंब का सेम बटन डिफ़ॉल्ट, तो अगर आपने उसको दबाया जंप करने के लिए, तो आपका कैरेक्टर वॉल पे चढ़ने वाला है और आप मरने वाले हो सामने वाले से। लेकिन अगर आपने इनेबल कर रखा है जैसे मैं दिखा रहा हूँ, तो आप जंप का सेपरेट बटन यूज़ कर सकते हो जंप करने के लिए, और अगर आपको चढ़ना है तो आपका क्लाइंब का बटन सेपरेट है उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये सबसे बिग एडवांटेज रहता है, तो आपको ये इनेबल रखना चाहिए हमेशा। टिप नंबर 2 इज़ व्हेन टू क्राउच। तो गाइज, एक नॉर्मल बंदा है एवरेज स्किल्स वाला, और एक प्रो बंदा जिसके पास अच्छे स्किल सेट है, इनमें एक डिफरेंस रहता है व्हेन टू क्राउच के मामले में। कि नॉर्मल बंदा क्या सोचेगा कि क्राउच करने पर सामने वाले की बुलेट नहीं लगेगी, तो वो किसी भी रेंज में हर जगह क्राउच करने लगेगा। लेकिन जो प्रो बंदा रहेगा, उसके पास अच्छा स्किल सेट है, नॉलेज है, तो वो क्या करेगा, रेंज वाइज क्राउच को यूज़ करेगा, और ऐसा ही हमें भी करना है। तो गाइज, कैसे करना है पहले देख लीजिए, तो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप जिगल देते देते देख सकते हैं, तो यहाँ पे ब्लैक लाइन पे हमारा हेड आता है स्टैंडिंग पोजीशन में, और अगर आप जिगल देते देते क्राउच करते हैं, तो हमारी जो नीचे वाली जो ब्लैक लाइन है वहाँ पे हमारा हेड आता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हेड आता है। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं अगर आप एनिमी के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तो अगर आप इस उसके क्लोज हो, और अगर आप क्राउच करते हो, तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है कि एम ऊपर से नीचे तक लाने में, अगर आप सामने वाले के बहुत ज़्यादा क्लोज हो। लेकिन अगर आप 10-12 मीटर के रेंज में आके क्राउच करोगे, तो वो सामने वाले के लिए इजी पड़ने वाला है। लेकिन आप इस रेंज में जिगल देते देते क्राउच यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको फ्रिक्वेंटली बहुत बार क्राउच यूज़ नहीं करना है, क्योंकि क्राउच यूज़ करने के बाद भी आपका जो मूवमेंट रहता है वो स्लो होता है। इसलिए आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो आपको क्राउच का यूज़ करना है, लेकिन आप 10-12 मीटर के रेंज में हो तो आपको क्राउच का यूज़ कम करना है एज़ कम्पेयर टू क्लोज में। टिप नंबर 3 इज़ काउंटर स्लाइड इन TDMs। अगर गाइज, आप भी मेरी तरह उन लोगों के हेटर है जो TDM में ओनली स्लाइड यूज करके हमको मारते हैं, तो उनके लिए एक धासु ट्रिक लेके आया है, जिसको यूज़ करके हम उनका स्लाइड ईजिली काउंटर कर सकते हैं। उनको स्लाइड करने दो या फिर कुछ भी करने दो, हम उनको ईजिली मार सकते हैं। तो वो है क्या? तो गाइज, ये एक सिंपल प्रोन एंड शूट है। तो आपको क्या करना है, अगर सामने वाला आपके सामने से स्लाइड करता है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली प्रोन कर जाना है और उसको ट्रेस करना है। जब वो सामने से स्लाइड करेगा, तो उसका एम जो रहता है क्रॉस हेयर, वो आपके बॉडी पे रहेगा, और अगर आपने प्रोन कर दिया तो सिर्फ आपका हेड उसको दिखेगा, तो उसका जो क्रॉस हेयर है वो बॉडी से लेके आपके हेड तक, आप प्रोन होंगे ना, इसलिए आपके हेड तक लाने के लिए उसको बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि वो मूवमेंट में है, वो स्लाइडिंग में है, तो उसका जो क्रॉस हेयर है वो ईजिली नीचे नहीं आएगा, तब तक आप उसको ट्रेस करके मार सकते हो। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कीप योर पीक एंड स्कोप ऑन होल्ड। पीक एंड स्कोप होल्ड पर रखने से क्या होने वाला है, कि मान लो अगर आप क्लोज रेंज में हो और आपसे गलती से
एडीएस या फिर स्कोप ओपन हो गया तो होल्ड पे रखने के कारण आप फिंगर हटा के स्कोप आउट कर सकते हो, लेकिन अगर आपका वो टैप पे रहा तब आपको वहाँ पे दिक्कत फेस करने के लिए पड़ सकती है, क्योंकि आपको स्कोप आउट करने के लिए फिर से स्कोप पे क्लिक करना पड़ेगा। इतने टाइम में तो सामने वाला आपको मार के चला जाएगा। और अगर आपको ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप पे कोई रश कर रहा है ओपन में, आपके पास एक ही कवर है, आपको उसको डैमेज दो अंदर आओ करना है स्कोप ओपन करके, तो आपको वहाँ पे होल्ड पे ही रखना पड़ेगा पीक एंड स्कोप। तो इससे बेटर है कि आप अभी से पीक एंड स्कोप अपना होल्ड पे रखना चालू कीजिए। तो गाइज़ इन टिप्स को फॉलो करने के बाद आपका क्लोज रेंज 100% इंप्रूव होने वाला है। तो अगर गाइज़ आपको हिप फायर इंप्रूव करना है क्लोज रेंज में तो ऊपर वाले पे क्लिक करो। अगर आपको मूवमेंट इंप्रूव करना है, जॉयस्टिक के बारे में कुछ डाउट्स है वो क्लियर करने हैं तो नीचे वाले पे क्लिक करो। और जो लोगो है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब बटन को बहुत सारा प्यार दो और घंटे को ऑल पे कर दो।